और खड़ लो मजे लो, चप्पल टूट गई भाई। इस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं हुआ, अब यहाँ कुछ स्कैम करा हमने, सब देख रहे हैं। मैं देखो ये देख रहा है शाहरुख खान, सॉरी कह रहे 8,500 रुपए की वैगनार की सर्विस कराई है तूने, फॉर्च्यूनर की सर्विस 10,000 में। साउथ दिल्ली से बढ़िया खाना मिलता है वेस्ट दिल्ली में, सुना है ऐसा, मैंने कभी खाया नहीं है। भाई पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, मॉडल टाउन। ये ऐसा कुछ डायवर्जन हो रखा है यहाँ पे, और यहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी हमें। एक गार्ड खड़ा था यहाँ से, इससे पूछ लिया कहीं गाड़ी टो वो तो नहीं होती यहाँ से, कहीं हम भी धक्के खाते फिर। एक बार याद है ना पिछले दूसरे व्लॉग में गाड़ी किसी की स्कूटी टो हो गई थी तो फिर छुड़वाई थी, तो यहाँ पे पंगे मैं चाहता नहीं, इसलिए ध्यान से लगाइए, चलते हैं काम करते हैं। व्लॉग की शुरुआत करूंगा थोड़ी देर में, वहां से फ्री हो गए जी, अभी टाइम नहीं है। जी तो भाई और उनकी बहनों, क्या हाल है तुम्हारा, मैं लविश पहुजा दोबारा आ गया हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। ये जो मैं एनर्जी दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल फेक है, थकान हो चुकी है मुझे बहुत बुरी। गर्मी देखो एक तो कितनी हो रही, पहले गाड़ी दिखा क्यों रहा हूँ, एक काली सीटें मत कराया करो ठीक है, शौक शौक में बहुत गर्म बैठती है, सड़न मच गई ना। तो अब निकलते हैं, आज यार गाड़ी सर्विस करानी थी लेकिन यहाँ शूट पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, चलते हैं रास्ते में सर्विस सेंटर में फोन करता हूँ एक बार, अगर हो जाता है टाइमली काम तो चलते हैं तो कराऊंगा, वरना सीधा चल रहे हैं घर और फिर जाएंगे जिम। ओके ओके चलो। भूख लग रही है भाई जोरदार, लेकिन अकेले खड़े होके यार क्या खाऊं, अब मन नहीं कर रहा लेकिन भूख भी लग रही है, क्या करूं। चलो देखते हैं रास्ते में कुछ अगर मिल गया ना चटक सा तो खाएंगे। वैसे अभी मैं वेस्ट दिल्ली में हूँ, मॉडल टाउन, तो यहाँ पे चीजें तो एक से एक होती हैं खाने की। साउथ दिल्ली से बढ़िया खाना मिलता है वेस्ट दिल्ली में, सुना है ऐसा, मैंने कभी खाया नहीं है। एक बार खाया था तब भी वेट करा दिया था बहुत ज्यादा ठेले वाले ने, मतलब रेडी वाले ने। यहाँ पे तो स्ट्रीट फूड चलता है भाई दिल्ली में, ठीक है। तो भाई टी शर्ट देख के मत समझना कि वही दिन कंटिन्यू हो रहा है, नहीं ये नेक्स्ट डे है। कल सर्विस का टाइम नहीं बचा था कराने का और जिम गया, और ज्यादा फिर कहीं मैं बाहर भी नहीं गया कल, पेपर है 5 तारीख को, पढ़ने बैठ गए थे सीधा, सिलेबस ज्यादा है, दिन कम मिले हैं इस पेपर के बीच में, ठीक है। सो अब सुबह के कुछ 9 बज रहे हैं, अब जा रहा हूँ सर्विस कराने गाड़ी की। यार बहुत टाइम हो गया था, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सर्विस में इतना लेट करो, तो मैं यार याद होगा तो जब हम ऋषिकेश गए थे तब करानी थी सर्विस, तब भी मैं इसे ले गया था। अब टोटल 1400 किलोमीटर ज्यादा चल गई है गाड़ी, ऋषिकेश से आए फिर एग्जाम शुरू हो गए और कहीं शूट वूट में बिजी हो गया, तो इस चक्कर में सर्विस बहुत डिले हो गई थी। आज इसका काम निपटा देते हैं उसके बाद ही शुरू करेंगे, वरना ये रह गई ना तो फिर रह गई। और एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ भाई, जो थोड़ा गाड़ियों में माहिर है ना, उनको साथ लेके जाएंगे सर्विस पे। पिछली बार मैं गया था ना भाई, मेरे साथ स्कैम कर दिया, मैं अकेले गया था मारुति के सर्विस सेंटर में, तो इतने की सर्विस कर दी, इतने की तो फॉर्च्यूनर की सर्विस होती है। 8,500 रुपए की सर्विस का बिल बढ़ा दिया उसने, और पहले मैं कितनी बार भी गया हूँ ना एक दो बार, तो 5-6 हजार में सर्विस हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 5.5 में हो जाती है, लेकिन पिछली सर्विस ने 8,500 की बढ़ा दी, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। मैंने भी कहा भाई यहाँ कर दे कर दे, ये भी कर दे वो भी कर दे, तो उसने 8.5 तक की बना दी सर्विस। अब मैंने यहाँ के बताई मगर 8,500 रुपए की सर्विस करा के आया हूँ। सॉरी कह रहे 8,500 रुपए की वैगनार की सर्विस कराई है तूने, फॉर्च्यूनर की सर्विस 10,000 में। तो इसी बात से मुझे ताने मिल रहे हैं, इसलिए मैं कहा इस बार जो गाड़ियों के एक्सपर्ट है ना उसे साथ लेके जाऊंगा। ये सर्विस स्टेशन है भाई मारुति का अर्चनी पे, तू बात करेगा भाई सारी, ठीक है। पहले बता तूने मेरे साथ क्या करा पहले, फिर बताइयो कि मैंने क्या करा। अरे इसका मुझे फोन आया, ठीक है, हमें वहाँ चल दे अर्चनी, मैं शाम को 3:30 बजे आऊंगा भाई। मैं गाड़ी को 3:30 हाँ यहाँ आता 3:30 बजे, कह रहा तू अपने घर से आ गई 3:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब आगे सुनियो, ठीक है।
मैंने कुछ नहीं बोला इससे, बोला आ गया। तूने एक बार कहा था ना सुबह से शाम तक हमें ही टकर। अब मैंने कहा, मैंने कहा कहाँ है, कितने बजे, रुक जा कितने बजे कहा पूछियो। मैंने पूछा कहाँ है, कह रहा बहुत दूर। मैंने कहा नहीं गया, कह रहा अभी यही है। मैंने कहा क्या क्या डाल रहे हैं, कह रहा पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं हंसने लग गया, क्या हो गया भाई, कह रहा पूरा स्टाफ ये कह रहा भाई बेकार हॉस्पिटल है। मैं कहा भाई मैं जैसी क्या, उन्होंने मुझे बोली, मैंने कहा इंजन ऑयल डाल दो, उन्होंने बोला मुंह खोला मोड़ दे। और खड़ लो मजे लो, चप्पल टूट गई भाई। इस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं हुआ, अब यहाँ कुछ स्कैम करा हमने, सब देख रहे हैं। मैं देखो ये देख रहा शाहरुख खान, क्यों हैंड में पट गई थोड़ी देर में, सब बोलेंगे भाई अब चले ही जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आपकी गाड़ी घर भिजवा देंगे, आप जाओ, आप चले जाओ। चल भाई छोले कुलचे और ये प्लग रहे मेरे 70,000 रुपए हुए हैं भाई, तेरी तो अभी 30,000 चली है। और सर्विस पे कराए हैं, प्लग का काम क्या होता है, जो स्टार्ट होती है गाड़ी वो चटक चटक नहीं करते, मारते हैं। अच्छा तो प्लग कितने के होंगे, एक मिनट मुझे देखने दे प्लग कैसे। अरे चप्पल तोड़ के चले गया। अब चेयर खाली कर दी। चलना भाई छोले कुलचे खान चल रहे हैं इधर। सुन तो सही, उसकी शक्ल दिखाई वो खुद नहीं देख पाया। चलो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, मतलब हाँ मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, जो कि होगा एंड कर दिया। अरे जो कि होगा अभी अभी कंटिन्यू, ठीक है ये वाला व्लॉग एंड कर रहा हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।